हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद खेमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में। स्टाइलिंग, फिटनेस, ग्रूमिंग, हर टॉपिक कवर करते हैं हम इस पर, राइट। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे कहते हैं इंजरी से डील कैसे करें। अगर आपको इंजरी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आप वर्कआउट करते हुए आपने एक सस्टेन कर ली इंजरी, हाउ इट वर्क्स आउट इज, जब आपने इंजरी सस्टेन की है, सबसे पहले असेसमेंट की बात आती है। तो आपने असेस करना है उसको, सबसे पहली चीज आप ये कीजिए, जहां पे आपको लग रहा है आपने इंजरी सस्टेन कर ली है, आप वर्कआउट बंद कर दीजिए। क्योंकि जिम रिलेटेड, जब फिटनेस रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो उसके बहुत चांसेस होते हैं उसको एग्रीवेट करने के, बिकॉज कभी कभी हम उसकी सीरियसनेस समझते नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं, राइट। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने जिम में या वर्कआउट करते वक्त, किसी भी टाइप का वर्कआउट करते वक्त आपने इंजरी सस्टेन की है, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, वर्कआउट बंद कर दीजिए इमीडिएटली। बिकॉज वर्कआउट उसको और पुश करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बार सिचुएशन एग्रीवेट हो जाएगी और फिर होगा ये कि आपको और ज़्यादा बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो आई एम प्रीटी श्योर आप ये नहीं चाहते हैं। तो आपको जैसे इंजरी हुई है, वर्कआउट स्टॉप कर दीजिए इमीडिएटली, यस। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसको ट्रीट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। हमारी टेंडेंसी होती है ना, मतलब हम वर्कआउट करते हैं, इंजरी हो गई तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे, इंजरी अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों ऐसा है, बहुत बार ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो इंजरी को उतना अटेंशन चाहिए होता है, और आपके अटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, राइट। वो वहाँ पर हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो इंजरी को खुद ट्रीट मत कीजिए, आप उसको ही हैंडल करने दीजिए जिसका काम है वो, है ना। आप वेट मत कीजिए कि हाँ ये इंजरी अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, या खुद ही ट्रीट कर लें घर पर ही कुछ। अगर इंजरी हुई है तो उसको उतना ध्यान भी देना पड़ेगा, राइट। सो गो टू अ डॉक्टर, ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है इस पूरी रिकवरी में, है ना। होता ये है कि आपने वर्कआउट बंद कर दिया इमीडिएटली, और आपने डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत अच्छी तरह से आपने वो ट्रीटमेंट लिया। अब बात होती है रेस्ट की। कोई भी इंजरी से रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, रेस्ट की दरकार होती है। वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है डॉक्टर कहे दो हफ्ते तक कुछ वर्कआउट मत करो, हो सकता है चार हफ्ते। मुझे लोअर बैक में इंजरी हुई थी, मेरे डॉक्टर ने 12 हफ्ते बोल दिया था सीधा। उसने कहा अगर अभी तुम लिफ्ट करोगे इट्स अ बिग रिस्क, सो अभी 3 महीने तक आपने कुछ नहीं करना है, मतलब लिफ्टिंग के नाम पे जीरो, राइट। और यहाँ हो जाता है प्रॉब्लम, बिकॉज मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत टाइम से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, मैं आई बीन वर्किंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो हम जैसे बंदों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अचानक से डॉक्टर आपको डाल देता है उसमें कि आपने कुछ नहीं करना है, वहाँ हो जाता है इशू, वहाँ हो जाता है प्रॉब्लम, राइट। पर अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप 4 हफ्ते 8 हफ्ते जितना भी है उसने जो रेकमेंड किया है वो फॉलो कीजिएगा, इस बिकॉज रिकवरी पीरियड को सीरियसली नहीं लिया। अब ये जो इंजरी है जो रिकवरी रोड पे है वो आगे बहुत ज़्यादा वर्सन हो सकती है। तो गाइज हैव पेशेंस ना, ये पेशेंस वाली बात जो है ना यहाँ बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। तो डू हैव पेशेंस, डॉक्टर की बात सुनिए, वो जानता है आपसे ज़्यादा, राइट। तो हैव पेशेंस, रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, दीजिए उसको टाइम, राइट। अब द फोर्थ पॉइंट इज कि आप जब रिकवरी करके इतना टाइम आपने दिया रिकवरी के लिए, अपनी अपनी जो भी इंजरी थी, आपको शोल्डर हो सकता है, नहीं हो सकती, जो भी है, तो उतना टाइम देने के बाद अब जब आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, अब भी और एक टेंडेंसी होती है कि हम जहां पर हिट किया हुआ था मार्क हमने इंजरी के पहले, हम डायरेक्टली वहीं स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत बार। पर ऐसा मत कीजिए, स्टार्ट लाइट वेट से, स्टार्ट ग्रेजुअली, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिकवर कर चुके हैं, यस, बट आपकी मसल, आपकी जॉइंट्स अभी वो उतनी कंडीशनड नहीं है, राइट। सो उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली कंडीशन कीजिए, धीरे धीरे वेट बढ़ाइए, और अपना फिर आप मैक्स भी हिट करेंगे, उसको बेटर भी करेंगे, राइट। लेकिन पहले स्टार्ट ग्रेजुअली, राइट गाइस। सो ये था वीडियो, हाउ टू डील विथ इंजरीज, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डॉक्टर से ट्रीट करवाना पड़ेगा, ग्रेजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा लाइट वेट्स के साथ, और जितना टाइम डॉक्टर कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज इट गाइज, दिस वॉज द वीडियो, और मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम 6 वीडियोज करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के ऊपर, 3 टॉपिक हम कवर करते हैं, 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, राइट। सो होप टू सी यू ऑन द अदर साइड, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इन द मीनवाइल दिस इज वीके साइनिंग ऑफ, एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।